गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशागौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड EBS का सैंपल एग्जाम पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज वेव ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी का जाल क्या है। तो जिंदगी का जाल क्या है कि जिंदगी में जैसे हम एक दूसरे चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आपस में, समाज से, प्लांट से, सब चीज़ों से जुड़े हुए, उसको ही हम जाल कहते हैं। तो इसको हम छोटे से आंसर में स्टेप से लिखेंगे, थिंग्स अराउंड अस आर लिंक्ड टू वन अनदर, इट इज कॉल्ड वेव ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारे आसपास की जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको हम वेव ऑफ लाइफ, जिंदगी का जाल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट सम वेज टू सेव वाटर। सेव वाटर मतलब पानी को सेव करने के दो तरीके हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला तरीका होता है टर्न द टैप ऑफ वेन नॉट इन यूज। अब आपको क्या करना है कि, तो पहला है हमारा टर्न, TURN, टर्न द टैप। हमको क्या करना है, हमेशा हमारे नल को बंद रखना है, ऑफ जब उसका यूज हो, जब ही हमको नल को खोलना है, वेन नॉट यूज, जब हम उसका नल का पानी का यूज नहीं कर रहा है तो उसको हमको बंद रखना है, वेन नॉट इन यूज। नल को बंद करना है जब हम पानी का यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है हमारा डी यूज वाटर, मतलब पानी को दो तीन बार हमको यूज करना है। जैसे कपड़े धोने का पानी हम पोछा लगाने के काम में ले सकते हैं, टॉयलेट में ले सकते हैं, है ना, इस तरह हमको उसका यूज करना है। थर्ड है हमारा, फिक्स ऑल दी लीकेज, मतलब कहीं यदि पानी का लीकेज हो रहा हो तो उसको बंद करना चाहिए, हमको लीकेज होने से रोकना चाहिए, उससे पानी वेस्ट होता है हमारा। फोर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को जोड़ने की क्रिया, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कहलाता है वो, क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। इसमें बड़े बड़े टैंकर्स बनाए जाते हैं जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हमको जो प्लांट से फूड मिलते हैं उनको लिखना है। तो हमको प्लांट से क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो हमको प्लांट से क्या मिलते हैं, फ्रूट, आपको नाम लिखना है, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। फिर और क्या मिलता है, वेजिटेबल्स मिलती है हमको प्लांट से, वेजिटेबल्स, ठीक है। स्पाइसेस मतलब मसाले मिलते हैं हमको प्लांट से ही, ठीक है। और ग्रेन्स अनाज मिलते हैं हमको प्लांट से ही, और फल्स दालें, ड्राई फ्रूट्स इस तरह हमको प्लांट से इतनी चीज़ें, खाने की चीज़ें मिलती है। फिर क्वेश्चन हमारा फोर है, फूड वी टेक फ्रॉम एनिमल, एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है। तो आप सोचिए, एनिमल से हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है, अंडे मिलता है, हनी, तो जैसे मीट मिलता है एनिमल से, कई लोग मांस खाते हैं ना, मीट, ठीक है। एग मिलते हैं हमको एनिमल से, जैसे मुर्गियों से एग्स मिलते हैं। थर्ड है हमारा मिल्क, जो हम काउ से लेते हैं, ठीक है। फोर है हनी, शहद, जो कि हम मधुमक्खियों से, हनी बी से लेते हैं। इस तरह फूड वी टेक फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से हमको प्राप्त होता है हम उनसे लेते हैं, उनका नाम है। फिर आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खालिस्तानों को भरना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, द पोर्टर नीड्स खालिस्तान टू मेक पोर्ट्स, जो पोर्टर है वो पोर्ट्स कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, तो पोर्टर्स बील या सीमेंट से। तो इसका आंसर आएगा ए, पोर्टर्स बील, पोर्टर्स बील। सेकंड हमारा खालिस्तान इन एन इंडोर गेम, इंडोर गेम्स कौन सा होता है, जो घर के अंदर खेला जाता है। तो इसका आंसर होगा चेस, फुटबॉल तो हम घर के बाहर खेलते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, खालिस्तान इज यूज टू सेंड मैसेज, मैसेज को सेंड करने की प्रक्रिया क्या होती है, लेटर। आजकल फोन हो गया, ये टेलीफोन है,
टेलीफोन नहीं लेटर, जो कि हमने बुक से पढ़ा हुआ है, नहीं तो मोबाइल से भी आजकल सेंड हो जाते हैं, बट पहले लेटर से मैसेज को सेंड किया जाता था। इग्लू इज मेड, इग्लू कहाँ से बनाया जाता है, क्ले से कि आइस से, आइस से। ब्लाइंड पीपल यूज टू रीड, ब्लाइंड पीपल है जो कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो ब्रेली। ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करके ब्लाइंड पीपल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मैच द फूड आइटम्स विथ द करेक्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट्स विच इज एडिबल, मतलब आपको मैच करना है करेक्ट आंसर से। जैसे रूट है, तो रूट क्या होती है आप बताइए, तो रूट होती है हमारी कैरेट, ये जमीन के अंदर पाई जाती है ना, तो ये रूट कहलाती है। फिर स्टेम, स्टेम होता है लोटस स्टेम। फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट बनाना होता है। लीव्स, लीव्स क्या होती है, पालक। स्पिनिश से हम इसको मैच करेंगे। और फ्लोवर क्या होता है, कॉली फ्लोवर, ठीक है। इस तरह मैच करना है हमको। नेम्स ऑफ गेम्स विच वी प्ले विथ अ बॉल, जो बॉल से गेम्स खेले जाते हैं उनका हमको नाम यहाँ पर लिखना है। तो बॉल से खेले जाने वाला सबसे फेवरेट गेम तो सबका होता है क्रिकेट, तो आपके इनके नाम लिखना है आपको, इनके पेपर में आएंगे आपके। तो दूसरा होता है फुटबॉल, जिसमें बॉल ही लगा हुआ है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड होता है हमारा हॉकी, फोर्थ होता है रग्बी, बास्केटबॉल, और ऐसे अदर ईटीसी कई गेम होते हैं जिनके आपको नेम्स यहाँ पर लिखना है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, आपको ये एग्जाम पेपर समझ में आया होगा, आप इससे तैयारी करिए, इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।